जयनारायण जी व्यास का जन्म 18 फरवरी 1899 को जोधपुर में हुआ। इनको लक्कड़ का कक्कड़, धुन के धनी, लोकनायक आदि उपनामों से भी पुकारा जाता है। सामाजिक चेतना के प्रसार हेतु इन्होंने पुष्करण युवक मंडल की स्थापना की। सन 1932 में व्यास जी ने बालिकाओं के लिए जय कन्या विद्यालय की स्थापना की। ये राजस्थान के ऐसे पहले जन नेता हुए जिन्होंने राजस्थान के उत्तरदायी शासन की स्थापना करने, जागीरदारी प्रथा को समाप्त करने व सामंती शाही के विरुद्ध आवाज़ उठाने का काम किया। इनकी प्रमुख पुस्तकों में कोपाबाई की पोल, मारवाड़ की अवस्था प्रमुख थी। प्रमुख समाचार पत्रों में आगी बाण, राजस्थानी भाषा में प्रकाशित प्रथम राजनीतिक समाचार पत्र, पीप, अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र अखंड भारत 1936, ये समाचार पत्र इन्होंने मुंबई से प्रकाशित किया। इन्होंने तरुण राजस्थान समाचार पत्र के व्यवस्थापक के रूप में भी कार्य किया। आपको ज्ञात होगा कि तरुण राजस्थान पत्र के संस्थापक विजय सिंह पथिक थे। सन 1939 में अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बनाए गए व महामंत्री जयनारायण व्यास बनाए गए। 10 मई 1931 को इनके निवास पर मारवाड़ यूथ लीग नामक संस्था का गठन किया गया। 3 मार्च 1948 को इन्हें मारवाड़ का प्रधानमंत्री बनाया गया। व्यास जी सन 1951 से 1954 तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे हैं। यह राजस्थान के मनोनीत एवं दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति थे। इन्होंने सन 1925 में मारवाड़ हितकारिणी सभा का गठन कर मारवाड़ में जन जागरण का कार्य किया। जयनारायण जी व्यास का देहांत 14 मार्च 1969 को हुआ। चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाना न भूलें।